जी नाजिर मैं इस वक्त मौजूद हूँ लिबर्टी चौक पे और PSL का जो मेला है वो पूरा सज गया। आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में एक बहुत ही बहुत बड़ा जो है वो पाकिस्तान का जो फ्लैग है वो तीन चार दोस्तों ने मिलकर ऑर्डर पे स्पेशल बनवाया है। और इस आप देखते हैं लोग जो है किस तरह इसको एंजॉय कर रहे हैं और ये झंडा आप देख रहे हैं इसकी बहुत बड़ी तादाद जो है बहुत बड़ा ये झंडा जो है वो वैसे किया गया लिबर्टी चौक पे जो है वो रोड पे लाया गया और लोग जो इसको देख के बहुत ज़्यादा खुश और पुरजोश भी हैं। और जिन्होंने ये झंडा बनाया उनसे हम बात करते हैं कि इनका क्या कॉस्ट था, ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं इस झंडे को। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वालेकुम सलाम, मोहम्मद जाहिद मेरा नाम है। मोहम्मद जाहिद, क्या सोच के झंडा बनाया था, मैसेज क्या इसके पीछे? हमें दिल से खुशी बहुत थी कि हमने इस वक्त में आके एंजॉय करना था और हमें वैसे दिल से खुशी थी कि और इस मौके के दौरान हम ये फ्लैग लेके जाएं और परचम को ले रहे हैं। तो ये परचम जो है कितने लोगों ने बनाया और इस परचम ये कितनी इसकी चौड़ाई है, कितनी लंबाई है इसकी? 50 फुट चौड़ा है और 70 फुट लंबा है और हमने 3-4 दोस्त हैं और भाई भी हैं हमारे और हमने मिलकर लिया ये। तो ये आपने जब उनको ऑर्डर दिया था तो उन्होंने कहा था कितने दिनों में ये बनेगा? उन्होंने 15 से 20 दिन का टाइम दिया था। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं जिस तरह उन्होंने कहा कि 15 से 20 दिन जो है उसको वो बनने में लगे थे। आप देख सकते हैं ये काफ़ी बहुत बड़ा जो है ये झंडा जो है ये बनाया गया है, 3-4 दोस्तों ने बनाया था, इनका मैसेज कहा ये जा रहा है। और PSL जो मैचेस हैं वो यहाँ पर आपसे कुछ देर में स्टार्ट हो जाएंगे। और PSL में आपकी कोई फेवरेट टीम है? जी फेवरेट टीम तो पेशावर ही है। पेशावर क्यों है, लाहौर क्यों की? तो लाहौर कलंदर होनी चाहिए थी। लाहौर तो बाहर हो गया तो क्या हुआ लाहौर के लिए?